सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग संगत, देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ रूही ग्रोवर, तो अज दिन है शुक्रवार 8 अक्टूबर 2021, तो देसी अस्सू महीने की मिति है 23। तो प्रोग्राम में शुरू करने तो पहले असं अपने दर्शकों को दसना चाहते हैं कि जोड़े सारे दर्शक प्रोग्राम भी साढ़े लाइव जुड़ना चाहते हैं, जम्मू जी तो कोई सवाल पूछना चाहते हैं या फिर अपने कोई सवाल साझा करना चाहते हैं, तो थले स्क्रीन के नंबर दिए हुए हैं, तुम उसे सूँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो हूँ अज दिन प्रमुख खबरों वाल बढ़ते हैं। रणजीत सिंह केस में डेरा सिरसा के मुखी राम रहीम, गुरमीत सिंह पांच होर दोषी करार। नवजोत सिद्धू की अगवाई हेठ कांग्रेस से हरसिमरत बादल की अगवाई हेठ अकाली दल का वफद लखीमपुर खीरी रवाना। लखीमपुर खीरी कांड की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अज, तो किसानों की हिमायत में भाजपा के बाहर का रस्ता दिखाया गया। तो अज हूँ साढ़े प्रोग्राम में मौजूद ने बलविंदर सिंह जम्मू जी थोड़ा प्रोग्राम में स्वागत है। तो जी सब तो पहली खबर है कि रणजीत सिंह केस में डेरा सिरसा के मुखी राम रहीम, गुरमीत के होर पांच जड़े लोग ने दोषी करार हो चुके हैं, उन्होंने बारे तुम की कहना चाहोगे? दर्शको तुसी सारे इस गल तो जानते होगे कि डेरा सिरसा का मुखी गुरमीत राम रहीम ने जिन्हां दियां कारवाइयां, जिन्हां दे मतलब कारनामे तो सारा जिहड़ा पंजाब हरियाणा ते पूरा देश ते विदेश जानदा, उन्हां नूं पहला एक केस दे विच सज़ा हुई है, वो सीगा दो साधवियां जिहड़ियां उन्हां दे रेप केस दे विच 20-20 साल की सज़ा हुई है, 10-10 साल मन हुई सी, ते कंजेक्टिव जिहड़ी है वह सज़ा जिहड़ी 20 साल की बनती है जी। उस वेले मतलब डेरा मुखी जी इस रीजन दे विच तूती बोलती सी, ते कहा जांदा है भी उन्हें सारा जिहड़ा साडा सिस्टम आ जिहड़ा उन्हों अगे लाया होया, पर CBI दे जज ने जिहड़ा उन्हां नूं सज़ा सुनाई सीगी, ते वो जिड्डे वड्डे काफले नाल सरसे तो चंडी पंचकूला दी CBI अदालत च पहुंचा सीगा, उहदे खाबो ख्याल दे विच वी नहीं सीगी कि उन्हां नूं जो ने पाप कमाए आ उन्हां दी सज़ा होएगी। उस समय बहुत वड्डा यह फैसला सीगा, ते जो पंचकूला दे विच जो कुछ वापरिया सीगा, मैं उस समय खुद उस नूं कवर करन गया सीगा पंचकूला दे विच, जर्नलिस्टां दे किन्नियां दे व्हीकल साड़े गए, मतलब गोली चलानी पई पुलिस नूं, उहदे विच कुछ लोग मारे भी गए, मतलब ये एक उस समय दा, ये 2 साल तो वध समा हो चुका है वो दृश्य नूं, वो सारे जिहड़ा मामला असीं उत्थे खुद देखिया सीगा। उस मामले नूं देखदिआं मतलब बहुत सारे लोकां ने उस समय कहा सीगा, जिहड़े इंसाफ पसंद लोकां लोक सीगे उन्हां दा इह कहिणा सीगा अल्टीमेटली इंसाफ होया। बहुत लंबे केस चले सीगे CBI तक, CBI दे उपर दबाव पाउण लई बहुत कम काज होया सीगा, बहुत राजनीतिक दबाव पिया सीगा, पर जिहड़े उस समय दे प्रधानमंत्री सीगे डॉक्टर मनमोहन सिंह उन्हां तक भी पहुँच हुई सीगी, हर पक्ष पासों पहुँच हुई सीगी, जिहड़े हाकम धिर सीगी उन्हां वल्लों पहुँच कीती जांदी सी भी सज़ा ना होवे, जिहड़ियां विरोधी धिरां सीगियां जिहड़ियां इंसाफ पसंद धिरां सीगा उन्हां वल्लों इह सीगा भी CBI ने जिहड़ी जाँच की आ, जाँच कर रही आ उस समय च, भी इहदे मुताबक सज़ा होनी चाहीदी आ, CBI दी जाँच मुकम्मल होण देनी चाहीदी, इहदे विच रोड़े नहीं अटकाए जाने चाहीदे। इह लम्मा चौड़ा मामला सीगा जिहदे विच गुरमीत राम रहीम नूं सज़ा होई सीगी, तो 20 मिसाली सज़ा जिहड़ी होई सी। उस तों बाद रामचंद्र छत्रपती दा केस, पत्रकार ये डेरे वाले अखबार कढ़दे सच कहूं, उन्हें अखबार कढ़िया पूरा सच, पूरा सच दे विच ओ डेरे दे विच जो कुछ हुंदा हुंदा सीगा उस समय उन्हें अपने पूरा सच अखबार दे विच लिखिया, उहदी लिखण दी सज़ा उन्हों जड़ी आ मरवा दिता गया। छत्रपती केस दे विच भी उन्हों डेरे दे मुखी नूं सज़ा हुई, उहदे नाल जिहड़ियां ने उन्हां नूं मारिया उहदे च सज़ा जिहड़ा ओह हुई। हुण रणजीत सिंह कौन सीगा, रणजीत सिंह बारे जानकारी, जिहड़ियां दो कुड़ियां सीगियां जिन्हां नाल रेप होया, ये डेरे दे विच कदे ड्राइवरी दी नौकरी करदा सी, डेरा मुखी दा ड्राइवर सीगा, ते इही अपनी भैण नूं उत्थे डेरे च लैके गया सीगा, इहदा कारण सी वी मेरी भैण इत्थे पढ़ेगी इत्थे सिखेगी, ते उह तों बाद जो भैण ने अपने भरा नूं रो रो के जो कोई कथा सुनाई डेरे दी, उहदे तों बाद ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ,
पाज खोलन दे डरों ये दा जिहड़ा रणजीत सिंह दा कतल करा दिता गया। रणजीत सिंह हरियाणे दा ही रहण वाला सीगा, पर आ जिहड़ा साढ़े अंबाले तो अगे उन्हां दा पिंड है, उस पिंड दे विच इहनूं वी जाण दा मौका मिलिया, वो पिंड देख के आए, उहदा घर वी गए इक वारी असीं। ते रणजीत सिंह इत्थों दा जिहड़ा वसनीक सीगा, ते रणजीत सिंह दा वी केस जिहड़ा चल रहा सीगा। अज रणजीत सिंह दे केस दे विच इह तीजा केस है जिहदे विच डेरा मुखी नूं जिहड़ी सज़ा जिहड़ी आ उह, ते चार उहनां दे सणे पंज ते उहनां तों इलावा चार होरां नूं जिहड़ी इस केस दे विच दोषी करार दित्ता गया। सज़ा जिहड़ी दो दिन बाद सुनाई जाएगी, अज जिहड़ी आ उह 10 तरीक हैगी ते 12 नूं जिहड़ी इक दिन छड्ड के सज़ा जिहड़ी सुना दित्ती जाएगी। ਇਹ ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਹੈਗਾ 250-300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਚੌਥਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਰਾਮ, ਉਹ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਆ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਜੇ ਚੌਥੇ 'ਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੇਰੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਿਆਈ ਸੀਗੇ, ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਗਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਆਫ ਗਿਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਅਮਲ ਹੈ, ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ
साडे देश दे जमहूरी देश दे विच जिहड़ा लोकां दी विल दा इच्छा शक्ति दा जिहड़ा फैसला आउणा उहनूं किवें प्रभावित कीता जांदा सीगा। सो इस तरीके नाल इस डेरे दी पहुँच कित्थों तक सीगी, मतलब असीं दसणा चाहुंदे कि पंजाब दे शायद कोई राजनीतिक पार्टी नहीं इहो जी बची जिहड़ी डेरे नूं नतमस्तक ना होई होवे। हरियाणे दी वी कोई इहो जी पार्टी नहीं, पहला चटाला परिवार बहुत नेड़े सीगा, चटाला परिवार तो बाद कांग्रेस नेड़े गई, फिर अजकल बीजेपी है, बीजेपी के सारे मंत्री संतरी जड़े विजय वर्गी है इन्हों का जोड़ा इंचार्ज सीगा जो बीजेपी सत्ता दे विच आई, मतलब वो सारे उत्थे गए। प्रधानमंत्री का जोड़ा जोड़ा चोन दौरा वो सरसे दे विच खास तौर पर इस एंगल नूं ध्यान दे विच रख के करवाया गया। सो सारियां राजनीतिक पार्टियां लगभग डेरा दा गेड़ा लाउंदियां नहीं आ, वोट सियासत इस किस्म दी आ, पर इह गल वी ध्यान च रखनी चाहीदी वी डेरे दे मुखी दा किरदार किस तरह दा, ते उहदे उस गल नूं सामने रखदिआं होइआं इह मेरा ख्याल इस गल तों रुकिआ जाणा चाहीदा, रुकणा चाहीदा जिहड़े राजनीतिक नेता ने वी जे जे डेरियां दे मुखी इस तरीके दे होणगे तां उत्थे इहो जिहियां कारवाइयां वी सुभाविक है, तो इस करके उन्होंने इन्होंने डेरिया के उपर पहुँचने तो रुकना चाहिए। पर असी देखते हैं हूँ चोणा होने वाली पंजाब के जोड़े मौजूदा मुख्यमंत्री है, पंजाब के जोड़े सबका मुख्यमंत्री सबका उप मुख्यमंत्री है वो भी डेरिया के गेड़े कड़ रहे हैं। ये सारा कुछ डेरिया वालू क्यों हो रहा, क्योंकि उन्होंने चेले ने श्रद्धालु ने एक वोट बैंक है, इस करके उस पास वालू गेड़े लगते हैं, तो खास ग्रांटा भी जड़िया डेरिया दित्तियां जांदियां, पिछली सरकार ने भी दित्ती, इस सरकार भी दे रही है। सो इस करके ये जिहड़ी असी गल अपनी जिहड़ी आ गुरमीत राम रहीम तक सीमित रखते हुए, असी बहुत लंबी कथा तो उन्होंने बारे किसी होर समय होएगी लंबी गलबात, पर असी दस देना चाहते इन्नी गल अपने दर्शकों नूं दसना चाहते सी भी अज उन्होंने तीजे केस दे विच दोषी करार दिता गया, तो ये सज़ा भी जिहड़ी आ एक दिन बाद होएगी उस दिन। संगत लाइव स्टार स्वागत है, अपना नाम दसो। बीबा ग्रोवर जी, तुहानू ते जम्मू साहब नू तुहाडे स्टाफ नू तुहाडे दर्शकां नू गुरदेव सिंह भुगल वालों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल ते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी फतेह जी, फतेह वाहिगुरु जी की फतेह जी। हां जी भुगल साहब। हां जी जम्मू साहब, तुसीं आ जिहड़ी अज राम रहीम दी गल कीती आ ना। हां जी ते बिल्कुल, देखो मैं अपने सारे देखो जम्मू साहब तुसी सियाने सूझवान सज्जन हो, बीज कदे किसी चीज का बीज नाश नहीं हुंदा, बाबे सारे एहो जे ने, पर जेड़े बाबे गंदे ने वह सारे तला एक मच्छी गंदी जिदा सारे तला नू खराब कर देंदी है, वह हाल हो जाता। फिर देखो रामपाल अंदर गया, राम रहीम आसा राम किन्ने होर पता नहीं किन्ने होणगे जिन्हां दा सानू नाम विसर जांदा आ। तुसी गल कीती आ कई ने जी दक्षिणी भारत। हाँ जी बहुत 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 ने, बिल्कुल उही गल है जी, अस आपां नूं आम लोगों याद रहिंदा ते फिर भुल भल जाई ना भुल जांदे ने, पर मैं जिहड़ी गल कहनी चाहुंदा जम्मू साहब, हाँ जी मैं बाबिआं दे हक विच नहीं है, पर मैं एक तुहाडे नाल मैं हमेशा विचार सांझी हमेशा करदा हुंदा, पर मैं इन्हां दे हक च नहीं जिहड़े ये काम कर रहे ने, कालियां करतूतां करदे ने, ये राक्षस लोक ने, ये इंसान नहीं है, माफ करना बिल्कुल मैं इन्हां दे हक च नहीं, पर मैं एक गल देख के कई बार बड़ा खुश हुंदा बाबिआं दी, जदों लोक बेवकूफ बनण वास्ते तैयार होण तां बाबे उन्हां दी बेवकूफी का लाभ क्यों ना उठाउण। मेरे इत्थे थोड़ा तुहाडे नाल मतभेद आ, साडे देश दे लोक जिहड़े भोले भाले हुंदे, भोले भाले लोकां दी जिहड़ा भोलापण उहनूं इस तरीके नाल जिहड़ा ना उहनूं गुमराह करना मैं नहीं समझदा वाजिब है, मतलब तुसीं किसे दी मसूमियत दा फायदा उठाओ ये नहीं होना चाहिए। हाँ वो माड़ी गल ना, बिल्कुल जम्मू साहब मैं तुहाडे नाल भी सहमत हाँ, मैं तां ही तां किहा मैं बाबिआं दे हक विच नहीं हाँ, मैं उन्होंने खिलाफ, पर लेकिन आ गल जो लोग नहीं जागते उन्होंने पता, एक महीना चलो वो डेरे जाओ मत्था टेको, एक साल टेको दो तुहानू पता नहीं लगता यार, इस करके मैं कहना भी वह बाबा सियाणा कादा होया जिहड़ा लोगों की बेवकूफा की बेवकूफ लोगों की बेवकूफी का पूरा पूरा लाभ ना उठा सके। मैं ये एक नुकता करदा हाँ, उदा मैं उन्होंने हक में नहीं, मैं तुहाडे नाल सहमत हाँ जम्मू साहब, ते देखो अज भी देखो ये जड़े बाबे भी खुंबा मांग उठ खड़े ने, ये भी सियासी लोगों दी चालां ने वोटों की खातर, तुहानूं तां पता ही आ, सरकार कदे कहिंदी दीवे जगा के प्रभु नूं खुश करो, ते कदे कहिंदे तालियां ते थालियां बजा के करोना भजा दिओ, कदे कहिंदे गऊ गोबर ते गऊ मूत पा के बीमारियां ठीक कर लो, यारो हद हो गई,
मुल्क वा के की है यार, ये इंसाना का मुल्क वा। मैं तो कई बार जम्मू साहब मैं माफ करना, मैं कह देना हूं गल सची, पर मैं धार के नहीं कहता मैं भी मैं किसी का अपमान करा ना, बिल्कुल नहीं। जो सच लगता मैं तो यह भी कई बार सोचता जम्मू साहब, जेकर गुरु नानक साहब की कृपा ना होंगी इस मुल्क से, तो खालसा जमराव के किले के झंडा ना लहरा, तो मैनू लगता कि भारत अज भी गुलाम हों, क्योंकि इन्हों करतूत ही इदा दियां ने। आ जड़िए पिछे कह गटिया भी गोबर मल लो, गऊ मूत्र पी लो, इन्हें बीमारियां दूर हो जानिया। मैं ये कहना भी जो गुरु नानक पातशाह ने जिहड़ा इन्हों एक सच रूपी दवाई दी सी, ते वो कहा सी भी सच रूपी दवाई पीओ, गऊ मूत्र नाल नहीं कुछ भी होना, ते पर इन्हां ने अज तक नहीं मन्निया। इन्हां ने धन धन श्री गुरु नानक पातशाह भी नहीं बख्शिया। ते बाणी दे विचों मैं कह रहा जम्मू साहब, मैं कोलों कदे नहीं कुछ कहा, बाणी विच भी महाराज कहिंदे ने इन्हां नहीं बख्शिया लोकां ने, इदां दियां ने। उन्होंने कहा भी कोई आखे पूजना, कोई कहे बताला, कोई आखे नानक, आदमी बेचारा गुरु नानक पातशाह भी इन्हों लोगों ने भूतना बताला कुराइया तकर कह दिता सी, ये बीमार मानसिकता के शिकार लोग ने। यह कहना पैंता, तुसी भी कहते हो मैनू पता, मैं बिल्कुल जानना तुहाड़ी जी सोच वा ना, मैं उन्होंने समझदा जम्मू साहब बिल्कुल ठीक है, ता ही मैं अपने ख्याल थोड़े सांझे करता हूं। ठीक जी, ठीक। आ जे दंभी बाबिया की गल, मैं जम्मू साहब जी मैंने एक अद्धा डेढ़ मिनट दौ, तो मैं जो कुछ इन्होंने देखता वो पेश करना चाहना हाँ। संखेप च रखो जी थोड़ा। जी बिल्कुल संखेप च लिखा भी, अज जना खना ही संत बाबा बनी फिरदा है, भावे शरेआम करदा जबर जना होवे। जम्मू साहब कदे गलत गल नहीं लिखी मैं अपनी कविता च। अज जना खना ही संत बाबा बनी फिरदा है, भावे शरेआम करदा जबर जना होवे। ओए कौन तगमे नाल लोकी शिंगार चढ़दे, भावे कौम नू ही लाउंदा ढा होवे। दसो ये गलत हो रहा ना। डेरे इन्हां दे देह व्यापार दे बड़े अड्डे, डेरे इन्हां दे व्यापार दे बड़े अड्डे, धर्मी बाणे च ये महामकार बन गए, जग नू जनत बनाउण दी गल छड्डो, ये तां धरती ते सगो पार बन गए। अरशी सुखां नू फरशी वरताउण खातर, बरसाती डड्डुआं वांग चफेरे फिरन बाबे, जिथे माड़ी मोटी निराशा छाई होवे, उथे जा चमकाउंदे आस दी किरन बाबे। ये लुकमान हकीम होण दे करन दावे, ए लुकमान हकीम होण दे करन दावे, पर इना जिहा ना जग ते कोई रोगी, हर चमक दी शै कदे ना होए सोना, इना भद्या जिहा ना कोई भोगी। दुख सुख ने दाते दे हाथ सारे, ओदे रहमो करम दा सदा इंतजार करिए, वट कढ़ के इना पखंडियां दे दीना दुखियां दा हलका पार करिए। तां मैं कहना भी लोकां भी उठना पैना। गिरगट वांग आखिरी चार लाइना ने जम्मू साहब, गिरगट वांग ए दंभी रंग बदलन, गिरगट वांग ए दंभी रंग बदलन, बाबा शब्द नू करन बदनाम बाबे, ओए लोड़ वेले गधे नू प्यो कह के पा लैंदे ने मोटे इनाम बाबे। जिथे गलत होया मैनू बेशक दस दिओ। आखिरी दो लाइना ने जम्मू साहब, सच नू छड झूठ नाल जा खड़ दे ए लोक, सच नू छड झूठ नाल जा खड़ दे, ना वो धर्मी ते ना ही महान बाबे, वो ऐसे लोग धरती ते भार भोगल, बाहरों इंसान ते अंदरों शैतान बाबे, भई ऐसे लोग धरती ते भार भोगल, बाहरों इंसान ते अंदरों शैतान बाबे। जम्मू साहब ये बाहरों इंसान ते अंदरों शैतान बाबे। जी भोगल साहब थोड़ा कॉल करनी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी, तुहानू प्रेम भरी सत श्री अकाल, प्यार भरी सत श्री अकाल, भुला चुका दी खिमा। सो ये रणजीत सिंह असी दो साधवी हैं जिन्हों का जिक्र वार वार आता, जिन्हों ने चिट्ठिया लिखिया सी, हाई कोर्ट नूं लिखिया, सुप्रीम कोर्ट नूं चिट्ठिया लिखिया, उन्हां चिट्ठिया के आधार के उपर जिहड़ा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला दिता सी बी आई जांच का, वह सी बी आई जांच जिहड़ी मुकम्मल हुई जिहड़े पहले केस के विच, फिर दूजा तीजा केस है, चौथा केस का फैसला होना। सो असी यही जिहड़ी है अज घंटा क पहला हार्डली फैसला आया अदालत का, सी बी आई पंचकूला की अदालत का फैसला आया, पहले फैसले भी सी बी आई की पंचकूला अदालत दे आ, उन्हां फैसलों के बारे जिहड़ा असी इन्हां ने अगे चैलेंज भी होए आ, पर अजे तक जिहड़ा उन्हां मामलों के विच डेरे नूं डेरा मुखी नूं कोई राहत जिहड़ी नहीं मिली, पर हरियाणा सरकार ने कुछ मौकियां ते उन्हां नूं राहत देण दा जतन जरूर किया, मतलब उन्हां नूं परोल जिहड़ी देण दा विरोध होया, बाद दे विच रौला पैण तों अखबारां दे विच रौला पैण तों बाद उह परोल जिहड़ी कटाई गई, रद्द कीती गई। सो इस तरीके नाल इह जिहड़ा मामला तीजा इहदे विच जिहड़ी आ
वो एक दिन बाद सजा होएगी तो उस दिन भी असीं अपने दर्शकों नूं इहदे बारे जानकारी देण दा जतन करांगे। सो रवाना हुए लखीमपुर खीरी वास्ते ते उन्हां नूं दस्या जा रहा है कि यूपी हरियाणा के बॉर्डर से रोकिया भी गया ते इहनूं वेखा वेखी गल की जा रही कि जो अकाली दल का वफद है वह भी लखीमपुर कांड के विरुद्ध जिहड़ा रन है उहदे विच कुद गया ते हुण उन्हां विचों एक हरसिमरत कौर एक बीबी जगीर कौर ते चंदू माजरा भी हवाई मार्ग के रस्ते उत्थे चले गए ने। देखो अकाली दल के दो वफद ने एक बीबी जगीर कौर की अगुवाई च उत्थे गया दूजा हरसिमरत कौर बादल की अगुवाई दे विच गया। एक वफद जिहड़ा कांग्रेस पार्टी का नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई च उत्थे जा रहा जिहड़ा मेरी अजे थोड़ी देर पहला एक एम एल ए वफद शामिल जिहड़े आ एम एल ए नाल गलबात होई सी भी तुसीं कित्थे पहुँच गए किन्ने चिर तक तुसीं लखीमपुर पहुँचोगे लखीमपुर खीरी दे विच पहुँचना उन्होंने जिहड़े उत्थों चार परिवार ने पंजवां जिहड़ा पत्रकार रमन कश्यप उहदे परिवार नूं भी इन्हां वफदां ने मिलना पर सब तो वध अहम जिहड़ा इन्हां ने जिहड़े पीड़ित परिवार ने दुखी परिवार ने जिन्हां तों अपने सिर दे साईं खुस गए ने मारे गए जिहड़े जिन्हां नूं शहीद कर दिता गया उहनां परिवारां नूं। इस मुद्दे नूं कंटिन्यू रखांगे फिलहाल एक अंतराल दा वेला हो गया है।